वफादार निर्भरता सांसों पर है। आप सांसों को किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार छोड़ते हैं और वास्तव में कितना आप उनका उपयोग करते हैं। जिसने इन फेफड़ों को विस्तृत कर लिया वो बजरंग बली से कम नहीं है। अच्छा, सारा जो नियंत्रण है वो फेफड़ों पे, जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन देंगे बॉडी को उतने ही जैसे ऑक्सीजन सक्रिय रहती है बॉडी भी आपकी सक्रिय रहेगी। तो फोकस के साथ में छोड़ दें, फिर से भरें, छोड़ दें। अब देखिए ये तो साथ देना और छोड़ना होगा, ठीक है। पेड़ों को दबाते हुए, पेड़ों को दबाते हुए एकदम सांस को छोड़ना, इससे पेट की क्रिया हो, पेट और फेफड़ों दोनों की क्रिया एक साथ हो, भस्त्रिका को बोल। जैसे कस के साथ भरी, ये कंटिन्यूटी में करें कम से कम 3 मिनट। ये प्राणायाम की क्रिया हमने बताई, इसके साथ मैं मेरा अपना या हमारे स्थान में मुझे सिखाया क्योंकि मैं चर्चा करता हूँ जिनको वास्तव में अध्यात्म से लगा हुआ, अपने आप को कहीं ना कहीं परम शक्ति से जोड़ना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं या उसमें लगना चाहते हैं या अपनी सदगति चाहते हैं, इसके लिए आपके इसमें बॉडी में चक्र होते हैं, है ना। तो पहला चक्र, आप जो भी क्रिया करते हैं जब सांस लेते हैं तो गुदा को संकुचित करें, छोड़ते हैं तो उसका प्रकुंचन करें, मतलब सिकोड़ना, है ना। बस तो ये प्रक्रिया जब करेंगे तो पहले गुदा से शुरू होता है, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे, वो अपने आप होता रहेगा, ठीक है। बस ये है कि शुरुआत जो हम करें वो लगन से और कंटिन्यूटी के साथ करें, ठीक है। तो जो भी प्राणायाम करते हैं तो उसके साथ ये समान रूप से आप कर सकते हैं। और हफ्ते भर आप देखिए, जो आप सोचेंगे लगभग वही होगा, 19-20 इधर उधर हो सकता है,